हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूचन के पीछे लिंग लिंग पड़ जाती है पर उसकी मदद सुलिंगर कर देती है। उसके बाद मूचन वहां पर एवनली लोटस के 3 विश ले लेता है, उनमें से एक सुलिंगर को दे देता है। लिंग लिंग उससे मांगने की कोशिश करती है और कहती है वो इस मैटर को भूल जाएगी, पर इस पर मूचन उससे 5 लाख युआन मांगता है। इसके बाद फिर वो वहां से चली जाती है और कह रही होती है कि वो इस मैटर को नहीं भूलेगी। अब आगे अगले एपिसोड में हमको दिखाते हैं कि मूचन वहां से बड़े आराम से निकल आता है। इधर हम देखते हैं लोली को, जो कि मेरे साथ एक फ्रेंड के साथ घूम रही होती है। वो सोच रही होती है कि जब सुलिंगर यहाँ पर मूचन को ढूंढते हुए आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, तभी लोली बाहर आकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ। इस पर वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर मूचन है। इस पर वो उससे मना कर देती है यहाँ पर कोई मूचन नहीं है, अगर तुम्हें कोई काम है तो मेरे से बोलो। इस पर वो सीधे उस पर हमला कर देती है। लोली तुरंत ही उस हमले को डॉज करने के बाद उसके ऊपर उल्टा हमला कर देती है। उसका हमला आता देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है, पर वो भी उसे डॉज कर देती है। उसकी पावर देखने के बाद वो कहने लगती है क्या तुम लोली हो। इस पर वो उससे हाँ कर देती है। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं पास ही में मूचन आ रहा होता है, वो उसे आवाज़ लगा रहा होता है। लोली वो बढ़ जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। मूचन कह रहा होता है हाँ मैं वापस आ गया, पर उसको देखने के बाद वो कहने लगती है तुम हेमल मेल्टिंग रियल में पहुंच गए। इस पर उससे वो कहने लगता है हाँ मैं पहुंच गया। लोली उससे पूछ रही है क्या उस सुलिंगर ने तुम्हारे लिए कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं की। इस पर वो उससे कहने लगता है नहीं नहीं उससे कोई दिक्कत खड़ी नहीं की, पर हम दोनों लोग दोस्त हैं। इस पर लोली उससे कहने लगती है सुलिंगर बहुत ही छोटी लड़की है पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सेली है। जिस सुनने का लूचर उससे कहने लगता है इसका मतलब वो यहाँ पर भी आई थी। इसके बाद वो अपने हाथ से उसके बाद उस लोटस सीड को अपने हाथ में निकाल लेता है। उसको देखने के बाद वो तुरंत ही आ जाती है और कहने लगती है वो ये तो लोटस सीड है, अगर तुम इसे ऑक्शन में लगाओगे तो कम से कम तुम 2 लाख युआन तो ले ही लोगे। उसके बाद मूचन तुरंत ही आगे जाता है, लोली हाथ पकड़कर उसके हाथ में रख देता है और कहता है ये वाला लोटस सीड मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा था लोली। ये देखकर वो लड़की कह रही होती है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। तभी वो कहने लगती है क्या तुम्हें पता है हमारा लोगों हेवनली रैंकिंग में 83 नंबर पर पहुंच गया है। इस सुनने का मूचन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है 83 नंबर पर। लोली तुम तो बहुत ही ज़्यादा अनकॉम्पिटेटिव पर्सन हो, ऐसा कैसे हुआ कि तुमने अपनी रैंकिंग 83 कर ली। इस पर वो उससे कहने लगती है एक लड़का मेरा बार बार से पीछा कर रहा था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी तो मुझे उसे हराना पड़ा। बाद में वो लड़की कहने लगती है और जैसे लोली ने उसको हरा दिया उसकी रैंक इनको मिल गई। ये देखकर मूचन सोच रहा होता है लोली की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है, वो हेवनली रैंकिंग में पहुंच सकती है, वो भी टॉप 100 के। लगता है मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ानी होगी। इसके बाद वो उसके कंधों को पकड़ लेता है और कहने लगता है आज के बाद ऐसे काम मत करना, ये काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा। वो लड़की दोबारा से शर्मा जाती है और कह रही होती है ये दोनों फिर से शुरू हो गए। फिर वो वहाँ से कह के चली जाती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर रात हो जाती है, मूचन उस सीट को खा लेता है। उस सीट को खाते खाते वो कल्टिवेशन कर रहा होता है, उसके बाद अपनी कॉन्शियस रिलेम में आ जाता है। जी उससे कहने लगती है जल्दी से इस एनर्जी का फायदा उठाओ और कंस्टेलेशन सूत्रा का इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारे पास एक और नई टेक्निक आ जाएगी। इसके बाद मूचन तुरंत ही उस अपनी टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके दो टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन निकलता है जिसके अंदर मूचन आ चुका होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा फॉर्मेशन था वो एक टाइगर में बदल जाता है जिसके ऊपर से बहुत व्हाइट कलर की स्पिरिचुअल ऑरा छूट रही होती है। मूचन सोच रहा होता है अभी तो ये फॉर्मेशन था, ये एकदम व्हाइट टाइगर कहाँ से आ गया। जी उससे कहने लगती है ये टेक्निक तुम्हारे लिए ब्लैक पेपर ने चुनी थी तो उसका काम भी तुम ब्लैक पेपर को ही दे दो। इसके बाद वो उस टेक्निक को सीधे ब्लैक पेपर के पास भेज देता है। ब्लैक पेपर उस टेक्निक में अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑरा घुसा देता है। उस स्पिरिचुअल ऑरा को घुसाने के बाद उस टेक्निक में से एक व्हाइट टाइगर निकलता है जिसके ऊपर बहुत सारा कवच लगा होता है। मूचन कह रहा होता है अभी तो जो सिर्फ खाली एक व्हाइट टाइगर था अब इसके ऊपर कवच कहाँ से आ गया। जी उससे कहने लगती है चलो तुम इसे जल्दी से अपने सील में कल्टिवेट कर दो। इसके बाद हमें बाहर दिखाने लगते हैं, मूचन थोड़ी देर तक कल्टिवेट करता है, व्हाइट टाइगर बाहर आ जाता है और आसमान में जाकर फट जाता है। मूचन अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है ये सक्सेसफुल हो गया। तभी एक लड़का आता है उसके पास और कहने लगता है मूचन ब्रदर, सुसु सिंह नाम की एक लड़की आई है और वो सभी फ्रेशमैन को चोट पहुंचाने लग रही है। ये सुनते ही मूचन उससे कहने लगता है कहाँ पर है मुझे लेकर चलो वहाँ पर। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लोली पीछे से उनको जाते हुए देख रही होती है। इधर हमें सुसु सिंह को दिखा रहे होते हैं जो कि वहाँ पर लोगों को परेशान करने लग रही होती है। तभी सोर आगे जाकर कह रही होती है तुम यहाँ पर लोगों को क्यों परेशान कर रही हो, तुम बहुत ही गंदी लड़की हो। इस पर वो उसके पास आती है और उसके एक चांटा मार देती है जोड़कर। सब लोग कहने लगते हैं चलो हम एक साथ लड़ते हैं। सुअर भी आगे बढ़कर कहने लगती है अभी देखना अभी मूचन ब्रदर और लोली दीदी आ जाएंगे तो तुम्हारी अच्छे से क्लास लाएंगे, लगता है तुम्हारा पिटने का मन है। इसके बाद वो सभी से कहने लगती है तैयार हो जाओ। उसके बाद वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सुसु सिंह एकदम ही बहुत ही बड़ा हमला कर देती है जो कि उन लोगों की तरफ आ ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर मूचन आ जाता है और हमले को रोक देता है। उसके हमले रोकते ही वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा शांत होती है फिर उसके बाद उसका मुँह देखने लगता है। इसके बाद सुअर कहने लगती है मूचन ब्रदर ये लड़की अच्छी है गंदी, इसने आते ही मेरे एक चांटा मार दिया। मूचन कह रहा होता है ये तुमने मारा क्या। इस पर वो कहने लगती है हाँ मैंने मारा तो क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा उड़ने लग रही थी एक चांटा मार दिया वापस से जमीन पर आ गई। इस पर मूचन को गुस्सा जाता है और कहने लगता है
अगर तुम जैसा कोई जंगल में मिला होता तो मैं उसको कब का शांत करा चुका होता। ये सुनने का दोस्त ये सिंह को गुस्सा आ जाता और कहने लगता, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? तुम ये सोचते हो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे? वो इतना कह रही होती तभी अचानक से लोली उसके पास आ जाती है और उसे एक जोरदार चाटा मार देती है। इसके बाद वो सीधे अपना गाल पकड़ लेती है और कहने लगती है, तो तुम कौन हो? इस रोज से कहने लगती है, ये चांटा जो मैंने अभी मारा वो भी सुअर के लिए था। फिर ऊपर से वो खड़ी हो जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी लोली उसकी एक और चांटा मार देती है और कहने लगती है, ये उसके लिए, अभी जो तुम उसको डांटने की कोशिश कर रही थी। मूचन जी आराम से पीछे खड़ा खड़ा देख रहा होता है और सब लोग भी चौंक रहे होते हैं क्योंकि उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी होती है। वो कहने लगती है, मैं तुमको मार दूंगी। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर लोली एक ही बार में उसकी तलवार को उसके हाथ से छुटा देती है। फिर उसको और गुस्सा आ जाता है और वो सबसे कहने लगती है, जाओ मेरे लिए सबको मार दो। वो सभी गाड़ी एकदम ही उस पर हमला कर देते हैं, पर मूचन तुरंत ही अपनी डेथ स्पेल टेक्निक से सभी को मार देता है। फिर इसके बाद वो दोबारा से मारने के लिए तैयार हो जाती है और उन दोनों की तरफ भागने लगती है। लोली तुरंत ही हमला कर उसको एक हमले में तो पीछे कर देती है, तुरंत ही दूसरा हमला कर देती है जो कि उसको लगने वाला होता है। तभी आसमान से अचानक से एक फिर आती है और उसको रोक देती है। उस अटैक के रुकने से वो दोनों लोग पीछे हो जाते हैं। तभी सुगुआ आ जाता है और अपनी बहन को पकड़ लेता है, मूचन लोली को पकड़ लेता है। सब लोग कहने लगते हैं, ये तो सुगुआ है जो कि हेवनली रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी सुसिंग उससे कहने लगती है, ब्रदर तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। सुगुआ कहने लगता है, इस पर हमला करने की हिम्मत किसने की? तुमने? मूचन आगे बढ़कर कहने लगता है, सीनियर सुगुआ क्या ऐसी बात है कि तुम बिना कुछ जाने ही लोगों पर इल्जाम लगाने लगोगे यहाँ पर? ये सुनने का दोस्त से कहने लगता है, जल्दी से उसे मेरे हवाले करो। इस पर मूचन कहने लगता है, इसका मतलब तुम बिना कुछ सुने ही उसकी ओर लेना चाहते हो? इस पर वो कहने लगता है, हाँ तो क्या हुआ, और अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ने लगता है। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा से सभी लोग पीछे हो जाते हैं। मूचन कह रहा होता है, ये तो ओजिन रिलम में पहुंच चुका है। उसकी शक्ति देखने के बाद मूचन सोचने लगता है, लगता है मुझे जीयू की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी मैं इससे लड़ सकता हूँ। फिर वो कहने लगता है, लगता है हम लोग यहाँ पर दोस्त नहीं बन सकते, तो तुम क्या चाहते हो आगे? वही मैं करूँगा। और उसके बगल में लोली भी आ जाती है। उन दोनों को एक साथ लड़ते हुए खड़ा होता देखकर वो कहने लगता है, क्या तुम दोनों लोग मुझे संभाल सकते हो? खैर छोड़ो, तुम लोगों ने मेरी बहन को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसका तो बदला मैं लेकर आऊंगा। और वो तुरंत ही लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक आवाज़ गूंजने लगती है, सुवांग अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा, तभी तुम उससे लड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं आसमान से एक लड़का नीचे आ रहा होता है। उसको देखने के बाद लोग कहने लगते हैं, ये तो हेवनली रैंकिंग में 2 नंबर पर है। लीसन तो उन दोनों के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मूचन लोली को देखने लगता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं ये शायद लोली ने ना बुलाया हो, क्योंकि वो लोली का ही फ्रेंड है। सुवा तुरंत बोलने लगता है, लीसन तो तुम मेरे और इन दोनों लोगों के इस मामले में आने की कोशिश मत करो तो अच्छा ही रहेगा। इस पर लीसन तो कहने लगता है, अगर तुम्हारा मामला इस लड़के को नहीं घसीटेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर इसको घसीटेगा तो मैं आगे जरूर आऊंगा। इसके बाद सीवा देख लेता है कि वो लोली के आगे खड़ा होता है। ये देखने का दोस्त से कहने लगता है, चलो मैं तुमको आज इज्जत दे देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, पर ये आखिरी बार होगा, आज के बाद मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुरंत मूचन आगे आके और कहने लगता है, सीनियर अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से चले जाएँ, और ना ही ऐसा मैं करूँगा अब। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर तुरंत ही मूचन लीसन तोंग से कहने लगता है, सीनियर लीसन तोंग आज जो भी है उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। इस पर वो उससे कुछ नहीं कहता और तुरंत ही कहने लगता है, मैंने जो तुमको टाइम दिया था वो पूरा हो चुका है, तो तुम्हारा क्या आंसर है? ये सुनने का सब लोग थोड़ा सा शांत पड़ जाते हैं। लोली मूचन की तरफ देख रही होती है। मूचन तुरंत ही कहने लगता है, मेरा आंसर ना है, मैं लोली को नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर वो उससे कहने लगता है, तो ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे से चैलेंज करने के लिए रेडी हो? मूचन को रेडी देखकर वो उससे कहने लगता है, अगर ऐसा है तो हम 3 दिन बाद लड़ेंगे, अगर मैं जीता तो लोली को छोड़ देना, और तुम जीते तो मैं तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। सब लोग कह रहे होते हैं, ये तो लीसन तोंग है जो कि हेवनली रैंकिंग में 2 नंबर पर है, मूचन इससे चैलेंज कैसे कर सकता है? क्या मूचन को मरना है? तभी मूचन कहने लगता है, अगर तुम मुझे अपनी तलवार दिखाओगे तो मुझे भी तो अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी ना। ये देखकर तो और सब लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मूचन ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या होगा? इन दोनों की स्ट्रेंथ में तो बहुत ही ज्यादा गैप है, मूचन तो उसके आगे 2 भी नहीं टिक सकता, वो तुरंत ही हार जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। मूचन बालकनी में खड़ा चांद को देखने लग रहा होता है। तभी पीछे से लोली आने लगती है, वो उसके जस्ट पीछे आ जाती है। मूचन कहने लगता है, काफी देर हो गई है, मैं जाता हूँ। वो बस इतना ही कह रहा होता है, लोली उसे पीछे से हग कर देती है और कहने लगती है, तुम्हें जरूरी नहीं था कि उसका चैलेंज एक्सेप्ट करो, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस पर मूचन उससे कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो उसके हाथ छुटाने के बाद अपने हाथ हाथ में ले लेता है और कहने लगता है, ये जैसी दिक्कतें बहुत आने वाली हैं आगे, और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खतरनाक भी होंगी, पर मैं उन सबसे लड़ूंगा तुम्हारे लिए। फिर वो उससे कह देता है, आई लाइक यू। फिर वहाँ पर आवाज़ चलने लगती है। ये सुनने का लोली बहुत थोड़ा सा खुश हो रही होती है। वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मौसम एकदम ही रंगीला सा हो रहा होता है, शायद कुछ होने वाला है। फिर वो कह रहा होता है, अगर रास्ते में कोई भी अड़चन आएगी जो हम दोनों को एक साथ होने से रोकेगी तो मैं उसको तोड़ दूंगा। इसके बाद लोली तुरंत ही उसको हक कर लेती है। वो एक दूसरे की बड़ी जोर से हक कर रहे होते हैं, ये हरामी मूचन मादरचूद। और वो कह रहा होता है, हम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता। लोली भी कह रही होती है, हाँ मैं भी तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती। फिर उसके बाद वो एक दूसरे के गले से हट जाते हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लोली थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है, पर लोली तुरंत ही उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पक्का हरामी है मादरचोद। फिर उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ अपना मुंह ले जाने लगते हैं। फिर वे एक दूसरे को किस कर देते हैं और ये थोड़ा सीन तो काफ़ी देर तक चलता रहता है। फिर सुबह हो जाती है। इसी के साथ ही 3 दिन बीतते जाते हैं। अगले दिन हमको दिखाने होते हैं लिसन तो फील्ड में खड़ा है और उस फील्ड के चारों तरफ लोग एक सेक्स में खड़े होते हैं जो कि चारों तरफ होता है। तभी वहाँ पर दो पावरफुल लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। नहीं, वो लड़का कह रहा होता है लिसन तो सेकेंड रैंक पर है वर्ली रैंकिंग में, पर उसने एक फ्रेशमैन मूचर नाम के लड़के को चैलेंज कर दिया। वो लड़की कह रही होती है इस मैच को देखने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि हमली रैंकिंग पर टॉप रैंक पर है। तभी शिन वहाँ को दिखाने लगते हैं जो कि कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था लिसन तो मूशन को चैलेंज कर देगा, मुझे लगता है होना हो इस चैलेंज के चक्कर में उस लड़की का हाथ जरूर है। फिर वो अपनी बहन से पूछने लगता है क्या तुम्हें पता था इस बारे में। इस पर वो उससे कहने लगती है मुझे क्या पता लोगों का रिलेशनशिप क्या है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ लिसन तो मूशन को अच्छी तरह से ठोक पीट दे। इधर हमें सुलिंगर को दिखा रहे होते हैं जो कि कह रही होती है आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है, लिसन तो मूशन से क्यों लड़ना चाहता है। इस पर उसकी सिस्टर कहने लगती है मुझे लगता है ये सब एक प्यार के चक्कर में हो रहा है और मैंने सुना फ्रेशमैन में एक पावरफुल लड़की आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस पर सुलिंगर उससे कहने लगती है हाँ मैंने उससे लड़ी हुई हूँ, उसका नाम लोली है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और खूबसूरत भी। तभी हम देखते हैं सब लोग एक लड़के को देखने लगते हैं जो कि आ रहा होता है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं हमने इसको बहुत ही समय से नहीं देखा, हमने कभी नहीं सोचा था कि टॉप 5 के सभी लोग यहाँ पर ये मैच देखने आएंगे। वो दी यू कह रहा होता है सुशैन मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी ये मजा देखने आई हो यहाँ पर। वो तुरंत ही सुशैन के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसको देखने का दोस्त से कहने लगती है तुम तो कभी अपना चेहरा दिखाते ही नहीं हो, अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इस पर वो उससे कहने लगता है मैं तुम्हारा यहाँ पर कंपेनियन बनने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ ये मैच देखना चाहता हूँ। तभी सब लोग कहने लगते हैं देखो देखो वो आ गया। तभी सब लोग उधर देखने लगते हैं जहाँ पर मूछन और लोली आ जाते हैं। मैंने नहीं सोचा था इस लड़के के पास इतना बड़ा जिगरा होगा, वो हेवनली रैंकिंग के दूसरे नंबर से लड़ने के लिए आ जाएगा। तभी मूछन लोली से इशारा करते हुए हाँ में जवाब देता है और जाने लगता है। सुशैन उसको देखने के बाद कहने लगती है काफ़ी चमत्कारी और इंटेलिजेंट लगता है ये तो। इस पर ही वो कह रहा होता है सही कह रही हो बिल्कुल वैसा ही लगता है। फिर इसके बाद वो सीधे लिसन तोंग के आगे पहुंच जाता है। लिसन तोंग उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है फिर उससे कहने लगता है तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये लगे कि मैं तुम जैसे छोटे लोगों को बुली करने लगा हूं, तो मैं एक काम करता हूं तुम मेरे 3 मूव्स को पकड़ लो, मैं ये मान लूंगा कि तुम जीत गए। ये सुनने के बाद मुझे तुरंत ही कहने लगता है सीनियर लिसन तोंग क्या हम स्टार्ट करें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।